मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसी हालात बन गए हैं। बीना में लोगों के घरों की छतों से बचाया जा रहा है, वहीं दतिया में एक युवक सिंध नदी में बह गया है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिससे शहर और गांव में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री 2 जल्द ही रिलीज होने वाली है और इसके प्रमोशन में वे पूरी तरह से जुटी हुई हैं। फिल्म से जुड़ी कई फोटोज और वीडियोज उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें उनकी लंबी चोटी खास आकर्षण का केंद्र है। हार्दिक पांड्या और उनकी वाइफ नताशा स्टेनकोविक ने हाल ही में एक दूसरे से अलग होने का ऐलान किया था। दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए बताया था कि 4 साल साथ रहने के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, लेकिन अब हार्दिक पांड्या ने ऐसा कुछ किया है जिससे चर्चाएं तेज हो गई हैं। हार्दिक पांड्या ने नताशा के इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट किया है, जिसके बाद फैन ऐसे उम्मीद जता रहे हैं कि यह लोग फिर से एक हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने हाल के समय में कई सड़कों और इमारतों के नामों में बदलाव किया है। सबसे ताजा उदाहरण राजपथ का है, जिसे अब कर्तव्य पथ के तौर पर जाना जाता है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदल दिया गया है। अब से दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल को अशोक मंडप के तौर पर जाना जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नाम में हुए बदलाव पर खुशी जाहिर की है। मध्य प्रदेश में एक के बाद एक चुनाव हार रही कांग्रेस अब खुद को मजबूत करने के लिए फंड की जुगाड़ में जुट गई है। जल्द ही एमपी कांग्रेस एक अभियान शुरू करने जा रही है, जिसमें कार्यकर्ताओं से 100 रुपए लिए जाएंगे। बीजेपी से जहां वसूली बता रही है, तो कांग्रेस का कहना है कि कार्यकर्ताओं से फंड लेने में गलत क्या है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव और पूर्व विधायक सुनीलम ने गुरुवार को भोपाल में मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर उपचुनाव लड़ने की बात कही है। प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। मध्य प्रदेश में निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए कोयम्बटूर में राज्य का एक उद्योग कार्यालय खोला जाएगा। यह कार्यालय मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के बीच व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिए ब्रिज का काम करेगा। इन्वेस्टर्स समिट का एक उद्देश्य यह भी है कि व्यापार व्यवसाय के आधार पर विभिन्न प्रदेश एक दूसरे के नजदीक आए। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सरकारी एम बॉय अस्पताल में बीमारी का इलाज कराने आए 65 साल के एक बुजुर्ग ने 25 साल की महिला डॉक्टर को प्रेम पत्र थमा दिया। इस पत्र में शादी का प्रस्ताव था। मरीज का प्रेम रोग देखकर डॉक्टर भी सन्न रह गई और फिर उसने अस्पताल प्रबंधन को मामले से अवगत कराया। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मरीज को गिरफ्तार कर लिया है। बिना शिकायत सूचना और सुनवाई के धार युवक कांग्रेस अध्यक्ष को पद से हटाए जाने का मामला अब दिल्ली पहुंच गया है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से इसकी शिकायत की गई है। शिकायत के बाद दिल्ली से भोपाल तक घनघनाते फोन कॉल्स ने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को खलबली मचा दी है। इसके प्रतिक्रिया में अब यह नेता युवक कांग्रेस अध्यक्ष को धमकाने लगे हैं। सावन माह में 10 यात्राओं के माध्यम से 40,000 से अधिक श्रद्धालु ओमकारेश्वर ममलेश्वर तीर्थ दर्शन करेंगे। संस्था सृजन के द्वारा 25 जुलाई से 3 अगस्त तक यह आस्था का प्रवाह होगा। गुरुवार को इंदौर के बड़ा गणपति से सुबह चुनरी यात्रा निकाल कर इसकी शुरुआत की गई। इसमें महिलाएं 1001 फीट की चुनरी मां नर्मदा को चढ़ाने के लिए इंदौर से ओमकारेश्वर के लिए रवाना हुई। एक पेड़ मां के नाम 51 लाख पौधारोपण अभियान के तहत प्रतिदिन पौधे भी रोपे जाएंगे। महर्षि महामंडलेश्वर स्वामी उत्तम स्वामी महाराज के सानिध्य में यह यात्रा निकाली।